देखिए दोस्तों, पंकज भैया घर से तो हम लोग खाना वाना खा के नाश्ता उस्ता करके निकल चुके हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं। तो देख सकते हैं इधर भाभी उभी लोग है। एक चीज हमको बहुत बढ़िया लगा, भाभी का जो टोटो चला के आया तो वही हमको बहुत अच्छा लगा, ताकि लेडीज भी एक टोटो चला सकता है भाई, अपना मेहनत करके कुछ कर सकता है आगे चल। और गुस्ताखी आप लोग माफ कीजिएगा भाई, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप हम लोग नहीं भर रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो थोड़ा देख के बोर हो रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दो चार दिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा में कहीं लॉन्ग ट्रिप भर भी नहीं सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉक में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग घर पे ही थे, कहीं का माल मिला नहीं था। तो दोस्तों आज सुबह सुबह माल मिल गया है बोकारो से रांची का। तो देखिए रोहित भाई गाड़ी लेके आ गए घर के पास हमारा, तो अभी चल रहे हैं और लोडिंग करेंगे आगे। अष्टो घाट से हमारा गाड़ी लोडिंग होना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, क्योंकि अब तो काफी ज्यादा लेट हो गया और हम लोग बोकारो अष्टो घाट जाएंगे तभी लाइन लगेगा। देखिए दोस्तों, पंकज भैया घर से तो हम लोग खाना वाना खा के नाश्ता उस्ता करके निकल चुके हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं। तो देख सकते हैं इधर भाभी उभी लोग है। तो भाभी जिले के चौथा बार मुलाकात किए हैं, चार बार हम इनसे मिल लिए हैं और एक सब्सक्राइबर दीदी से लाए हैं इनको मिलाने। हमें भी बहुत शौक था कि पंकज भैया और रोहित भैया से मिले, तो इसलिए हम भी आज इन लोगों से पूछ के टाइम निकलवा के इनसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारा भी चैनल है, आप लोग हमें भी सपोर्ट करें, सोनी कुमारी ऑफिशियल 6790। आप लोग प्लीज सर्च करके एक बार जरूर देखिएगा कि हमारा वीडियो कैसा है, और अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना उनको दिल से थैंक यू, और एक बार जरूर आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। किस टाइप का वीडियो बनाते हैं? ब्लॉगिंग बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। आज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और भाभी जी तो आप लोगों को पता है ये लगा के चौथा पांचवा बार मिल रही है। बाकी भाभी जी आपका चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है शंकर सिंह ब्लॉग। शंकर सिंह ब्लॉग। सब्सक्राइबर कितना हुए अभी? 1146। चैनल मोटाज नहीं हुआ ना? चलिए इनका चैनल मोटाज नहीं हुआ है, बाकी इन लोग का चैनल जो है थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। फिर से चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है एट द ग्रेट शंकर सिंह ब्लॉग, और इनसे मिलने के लिए हम आए हुए हैं। देखिए फोटो चला करके, क्योंकि पंकज भैया और रोहित भैया यहाँ एस्टो गार्ड में रहते हैं, इसलिए हम इनसे जब आते हैं तब तब इनसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि हमको पता चलते चलते वीडियो देखते हैं तो हम चमक जाते हैं। एक चीज हमको बहुत बढ़िया लगा, भाभी का जो टोटो चला के आया तो वही हमको बहुत अच्छा लगा, ताकि लेडीज भी एक टोटो चला सकता है भाई, अपना मेहनत करके कुछ कर सकता है आगे चल। तो चलिए ठीक है, तो बहुत है आज के समय में जो आजकल जेंट्स काम कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है। दोस्तों अभी दिन के 12:45 बज चुके हैं और अभी गाड़ी लेकर जा रहे हैं अष्टो घाट के अंदर में। देख सकते हैं तीसरा नंबर हमारा, और इधर देखिए बारिश भी शुरू हो गया है। बारिश कभी भी आ सकता है भाई, कहना ही नहीं है। देख सकते हैं मतलब कल तक तो बारिश नहीं था दोस्तों, लेकिन देखिए आज बारिश आ गया है। तो चलिए अभी गाड़ी अंदर लेके चलते हैं और अंदर में लोडिंग वगैरह करते हैं, फिर लोडिंग करके निकलेंगे। वैसे रोहित भाई को गाड़ी में बैठ के नहीं जाना देगा, वो 5 मिनट के बाद अंदर में जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इधर बारिश भी काफ़ी तेज से होने लगा, अब देखते हैं। अब लगता है दोपहर के बाद ही लौट पाए, क्योंकि 1 बजे के बाद लंच हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों अभी तो लोडिंग हो गया है 12 बंडल, और चलिए अभी बाहर में और देगा 6 बंडल, क्योंकि वहाँ से बाहर से 6 बंडल देगा। आज 12 बंडल दिया था, चलिए अभी पानी उनी भरेंगे, ताकि पानी उनी भी भरे थे, 2-3 दिन का पानी था। चलिए अभी पानी उनी भर लेते हैं, यहाँ पे पानी उनी भर के गाड़ी में लेके चलते हैं। दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी प्लांट से बाहर निकल चुका है, तो अभी 12 बंडल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 17 या 18 बंडल लेना है, तो चलिए अभी खाना वगैरह खा लेते हैं। देख सकते हैं सामने होटल है और रोहित भाई जो है गाड़ी लॉक कर रहे हैं, तो चलिए लॉक करके आ जाएंगे, तब तक खाना वगैरह खा लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी चाय वो पी लिए हैं, तो चलिए अब गाड़ी मेरा यहाँ लगा दिया है पंकज जी, गाड़ी में शीशा उसा साफ करेंगे। शीशा उसा साफ करने के बाद यहाँ से शाम को ही 8 बजे निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और फाइनली देखिए हमारा पेपर मिल चुका है, तो बिल्टी भाई हमको समय पर मिल गया। और अभी जो हम लोग हैं पेटरवार में हैं, तो दोस्तों आज हम लोग का थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पेपर देने में ही थोड़ा लेट कर दिया, तो लगभग शाम को 7 बजे मिला। रिंग रोड में हाथ मारे थे शुक्रवार को टूल गेट में। देख रहे हैं सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं पेटरवार में। और बताइए भैया क्या नाम हुआ? मुबारक नाम भैया, हम आपको बहुत फैन है। कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? रांची रिंग रोड में हम आपको देखे थे, खाली गाड़ी आप लोग निकल रहे थे। ठीक है ठीक है, मिलते हैं वहाँ टाटी सिनेमा में रहेंगे मिक्की बार में।
तो चलिए दोस्तों, देखिए सब्सक्राइबर भाई कहीं भी मिल जाते हैं, कभी रोड पे मिल जाते हैं, कभी जहाँ लोडिंग करने जाते हैं वहाँ पे आ जाती है भाभी लोग। क्या रोहित भाई गलत बोल रहे हैं, रोहित भाई का ज़्यादा जलवा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तो हम लोग लोकल ट्रिप ही मार रहे हैं, और गुस्ताखी आप लोग माफ़ कीजिएगा भाई, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप हम लोग नहीं भर रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो थोड़ा देख के बोर हो रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दो चार दिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा में कहीं लॉन्ग ट्रिप भर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप भरेंगे ना फिर दुर्गा पूजा में तीन चार दिन जो है कहीं भी गाड़ी हम लोग खड़ा हो जाएगा। और दूसरा बात क्या होता है कि हम लोग को पर्व त्यौहार में कम ही मौका मिलता है घर पर, तो आज बहुत दिनों के बाद मौका मिल पाया कि हम लोग दुर्गा पूजा और होली में इस बार जो हम लोग घर में सेलिब्रेट कर पाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा मौका जाता है कि हम लोग को बड़ा जो त्यौहार है जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, जो बड़ा बड़ा त्यौहार है हम लोग को घर के बाहर में बिताना पड़ रहा है भाई। पहले भी हम बाहर में बिताए हैं जब घर पे समय पे नहीं पहुंच पाए थे, तो यही सब होता है। और दूसरा बात है जब बड़ा त्यौहार रहता है ना भाई, और हम लोग बाहर में रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली के साथ में और बच्चे लोग के साथ में और मम्मी पापा के साथ में बिताने में जो मज़ा है वो मज़ा बाहर में नहीं लगता है। मतलब जब पर्व त्यौहार आता है ना तो हम लोग का मन उदास हो जाता है जब बाहर रहते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज द्वितीय हो ही गया है, एक दो ट्रिप और लोकल चल लेते हैं, फिर अपना लॉन्ग ट्रिप भरेंगे। और ऐसे भी दुर्गा पूजा में लॉन्ग ट्रिप का माल भर के कुछ फ़ायदा नहीं, वहाँ पे भी गाड़ी तो पहुँच जाएगा, अनलोड भी कर देंगे, लेकिन फिर माल मिलेगा नहीं, फिर हम लोग को दुर्गा पूजा के बाद ही मिलेगा। उससे बढ़िया है कि लोकल एक दो ट्रिप चल ले रहे, उसके बाद फिर हम लोग दुर्गा पूजा के बाद लॉन्ग ट्रिप का माल भरेंगे। और वैसे भी गाड़ी का बॉडी वगैरह मेरा हो गया ख़राब, जो पीछे का जो डाला होता है वो पूरा हो गया ख़राब, मतलब फर्श में छेदा वगैरह हो गया है, तो लगभग अभी हमको 2-3 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा, पूरा फर्श बनवाना पड़ेगा नया, और डाला में पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, तो 2-3 लाख रुपये खर्चा है। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद गाड़ी उड़ी काम करा के अपना गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, एकदम लंबा लंबा रूट में चलना है भाई, क्योंकि देखिए आप ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं तो लोकल में चल के कुछ मज़ा नहीं है, और वैसे भी 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर में मज़ा नहीं है, कम से कम 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर चलना है तो और मज़ा आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ही हम लोग दुर्गा पूजा के बाद लॉन्ग ट्रिप भी भरेंगे और अपना गाड़ी का भी काम कराएंगे, क्योंकि गाड़ी का भी जो दशा है ना पूरा ख़राब हो गया है। चलिए बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, विश्वकर्मा का आशीर्वाद रहेगा, तो नया साल में न्यू ट्रक भी ले सकते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं, काटा कराएंगे, फिर खाना वीना भी खाएंगे आगे। देखिए दोस्तों, अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और अभी तो हम लोग कांटा उटा करवा के यार रामगढ़ घाटी भी चढ़ गए हैं, और अभी देखिए हम लोग झारखंड होटल आ चुके हैं, पंकज भी आगे आगे चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, तो चलिए यहाँ से खाना वाना खा के गाड़ी लेके हम चलेंगे। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग आ गए हैं झारखंड ढाबा में, तो दोस्तों देख सकते हैं इधर तंदूरी रोटी और ये कड़ी पकौड़ा, तो देखने में ही सुंदर लग रहा है। ऐसे भी ये झारखंड ढाबा का जो खाना है बहुत ही सस्ता है, ये 50 रुपये हाफ है, और सेब भाजी 50 रुपये हाफ है, तो चलिए खा के देखते हैं। ऐसे देखने में तो ये बढ़िया लग रहा है, एकदम तेल बाहर में छपेल गया है दोस्तों, एकदम गजब का स्वाद है, बहुत ही टेस्टीदार है और तो खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए खाते हैं। तो रोहित भाई का भी खाना निकला हुआ है, खा कर फिर रोहित भाई यहाँ से आराम से लेकर चलेंगे गाड़ी, बाकी सुबह सुबह खाली होगा फिर रिटर्न आएंगे। चलिए दोस्तों अब खाते हैं, पंकज जी इधर खा रहे थे, चलिए हम भी इधर खा लेते हैं, देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। खाना तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, कड़ी पकौड़ा है, तंदूरी रोटी है, इधर प्याज है, तो चलिए अब खाते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो झारखंड होटल से खाना वाना खा लिए, अब चलिए अब गाड़ी में चलते हैं, पंकज भी उधर चल गए हैं, तो चलिए अब अपना गाड़ी में चलेंगे, उसके बाद गाड़ी लेकर यहाँ से हम चलेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं, निक्की बात तक सफ़र मेरा ही रहेगा, ताकि इतना हम लोग से पीछे गाड़ी था सब निकल गया है, ताकि हम लोग खाना वाना खाएँ, वो लोग भी आगे जाके कहीं खाना वाना खाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी रात के 12 बज चुके हैं और अभी निक्की बार पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं उधर गाड़ी लगा दिए हैं, और उधर देखिए संतोष भैया गाड़ी है, संतोष भैया कंपनी का गाड़ी है, तो चलिए अब लगा दिए, यहीं पर सोना है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, रिस्पेक्ट ड्राइवर।